हाय दोस्तों, मैं हूं ताहिर। मैं आज आपको बताऊंगा कि टाटा ट्रक की चेसिस का बेंट कैसे निकाला जाता है और इसको निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कितने क्या क्या औजार लगाने पड़ते हैं और काफ़ी मेहनत से इसमें बेंट निकाला जाता है। तो इस वीडियो में आप यही देखेंगे कि इसमें बेंट किस प्रकार से निकाला जाता है और क्या क्या सामान इसमें लगाया जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर और भी वीडियो अच्छे अच्छे हैं गाड़ियों के बारे में, यूट्यूब के बारे में और सभी तरह की वीडियो मैं बनाता हूं, तो आप उसमें मेरे चैनल पर जाकर मेरा वीडियो का देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो देखते हैं दोस्तों। हाय दोस्तों, मैं हूं ताहिर। मैं आज आपको बताता हूं चेसिस में बेंट निकालने में कितनी मेहनत और कितने औजार लगते हैं। ये देखिए, ये चैनल इतना भारी भरकम चैनल हमको लगाना पड़ता है चेसिस में बेंट निकालने के लिए। तो जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ये कितना बड़ा चैनल इसमें लगाया हुआ है। और फिर ये देखिए, इस पर जेक बीच में फंसा कर इस जेक को बड़ी ताकत से खींचा जाता है और इस तरीके से चेसिस में जो बेंट होता है वो इस तरीके से निकाला जाता है। ये देखिए आप दोस्तों, ये इस जेक को इस तरीके से बड़ी टामी के द्वारा बड़ी ताकत लगानी पड़ती है इसमें, और अगर ताकत नहीं लगाते हैं तो चेसिस का बेंट नहीं निकल पाता। ये देखिए आप, जैसे भाई साहब बड़ी मेहनत से इसका बेंट निकाल रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमें जहाँ पर बेंट होता है वहाँ पर हमें ये वाइट निशान कर लेते हैं पहले वैसे, तो इस प्रकार हमें आइडिया रहता है कि भाई यहाँ पर बेंड है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं और आप देख ही रहे हैं कि चेसिस में लगाने के लिए कितने हमें औजारों की ज़रूरत पड़ती है और कितनी मेहनत का काम है दोस्तों। मेहनत भी है दोस्तों, मगर पैसा भी इस काम में बहुत है। अगर आप अपने बच्चों को ये काम सिखाएंगे तो वो कमा कर हमेशा खाते रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस काम में पैसा अच्छा मिलता है दोस्तों। तो ये देखिए, ये यहाँ से ये पट्टे लगे हुए हैं दोस्तों, यहाँ से हमें कुछ बेन थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, यह जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने ये ट्यूब भी इसमें बेन निकालने के लिए अलग कर दी। इस ट्यूब को निकालनी पड़ती है दोस्तों, अगर बेंड ज़्यादा होता है या कुछ तकलीफ होती है तो इसको निकालना पड़ता है। और ये बहुत बड़े चैनल इसमें लगाने पड़ते हैं और काफ़ी लोगों की इसमें ज़रूरत होती है दोस्तों बेंड निकालने के लिए। ये बड़ा कठिन काम है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जेक चढ़ाना, इसमें बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ये जेक ऐसे ही नहीं लगते हैं, ये इतने बड़े बड़े जेक इसमें लगाए जाते हैं दोस्तों। ये देखिए आप, ये इतने बड़े चैनल, सारा लोड इस चैनल पे ही आता है दोस्तों। जो भी हम चेसिस का बेंड निकालते हैं तो ये इस चैनल पे जेक लगाते हैं, तो सारा बेंड इस चैनल पे ही आता है। तो इस प्रकार दोस्तों बड़ी मेहनत से इसका बेंड निकाला जाता है। तो आपको भी अगर कभी कोई काम पड़े तो ये गुड्डू भाई हैं, इनके कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके आपका कोई भी काम हो, चेसिस का, डंपर, बॉडी डंपर का किसी का, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार ये देखिए दोस्तों, बड़ी मेहनत का काम है चेसिस का बेंड निकालना। धूप में हमें काम करना पड़ता है दोस्तों, लेकिन पैसा अच्छा मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मेरे चैनल में और भी अच्छे अच्छे वीडियो हैं दोस्तों, तो चैनल पर जाकर प्लीज़ वॉच करना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बड़ी मेहनत का काम होता है दोस्तों, जैसे कि ये भाई साहब जेक लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो में, तो मेहनत तो है दोस्तों, बहुत मेहनत है। तो इस प्रकार से दोस्तों चेसिस का बेंट निकाला जाता है, कई औजार इसमें लगाने पड़ते हैं, सभी चीज़ें बहुत भारी मेहनत और मेहनत का काम है दोस्तों। ये देखिए, इतनी मेहनत से इतने भारी भारी गन हमको इसके ऊपर लगाने पड़ते हैं दोस्तों, बहुत भारी गन। अरे यार, इसका बेंट नहीं निकल पाता। ये पट्टे जैसे हमने लगाए थे चेसिस के ऊपर,
पट्टे देख रहे हैं आप, तो ये पट्टे लगाने से कितना भी लोड बढ़े तो चेचिस में दिक्कत नहीं आती है। अरे लगा लगा देख लो, अगर आपके पास गाड़ी हो चेचिस ऐसा हो तो ये पट्टे जरूर, ये देखिए दोस्तों ये इतना बड़ा चैनल हमको इसमें लगाना पड़ता है ब्रेक निकालने के लिए, काफ़ी मेहनत करते हैं ऐसा काम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो ये निश्चित है दोस्तों कि वो कमा कर हमेशा खाएंगे, क्योंकि ये काम बहुत अच्छा है दोस्तों, इसमें पैसा बहुत अच्छा मिलता है लेकिन मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा है। मेहनत तो दोस्तों सभी करते हैं लेकिन पैसा इतना नहीं मिलता है, लेकिन इस काम में पैसा अच्छा मिल जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये चेचिस चोरी करने के लिए ये कपलिंग लगाया जाता है और ये इस तरीके से साइकिल वगैरह सब बांधे जाते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।